मोदी जी एक चीज ये बताओ, हरी मिर्ची इतनी ही काटनी है कि और ज्यादा काटनी है? कहीं ज्यादा कट जाए तो कहीं शाही पनीर में तीखा ज्यादा ना हो जाए, और कुछ लोगों को तीखा ज्यादा पसंद नहीं है। पहले तो मुझे ही ज्यादा तीखा पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तीखा खा नहीं पाता हूँ, तो देख लो आप कहीं ज्यादा ना हो जाए। अरे राहुल, अभी तुमने हरी मिर्ची काटी कितनी है? सिर्फ 2-3? अरे कम से कम 10-12 मिर्ची काटो यार। शाही पनीर में जब तक तीखापन नहीं रहता है ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता। और वो भी शाही पनीर मैं बना रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, फिर देखना खा के कितना स्वाद आता है शाही पनीर का। मोदी जी काट देता हूँ हरी मिर्ची और काट देता हूँ, इसमें क्या है? मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत हो रही है, पर ये देख लेना कोई शाही पनीर खाने के बाद उसको बाद में ना दिक्कत होने लगे, नहीं तो बाद में उसको दिक्कत हो फिर आगे चिल्लाते हो बोले कि भाई मिर्ची बहुत ज्यादा काट दी थी। ये इल्जाम मुझ पे नहीं लगना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। अरे राहुल, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम पे कौन इल्जाम लगाएगा? तुम काटो हरी मिर्ची, जिसको कहना होगा मुझको आके कहेगा, और मैं इस हिसाब से बनाऊंगा कि मिर्ची ज्यादा होगी नहीं, चाहे तुम कितनी भी मिर्ची काट दो। इसमें तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो काम हो करो। वैसे मोदी जी, तुमने ये खेतों में शाही पनीर बना के खाने का जो आइडिया निकाला है ना, बहुत बढ़िया है। और ऊपर से तुम ये मिट्टी के बर्तन में बनाओगे, भाई इसका स्वाद तो पता नहीं कैसा होगा। अभी सोच सोच के ही दिल में लड्डू फूट रहे हैं। तुम जल्दी से बनाओ भाई, खाने की बहुत इच्छा हो रही है। लालू जी, आइडिया मुझे आज से नहीं, मुझे बचपन से आइडिया है। मैं कई बार बचपन में खेतों में शाही पनीर बना बना के खाया हूँ और लोगों को खिलाया हूँ। और ये रही मिट्टी की बर्तन, मैं तो खुद हाथ से मिट्टी के बर्तन बना के उसमें शाही पनीर बनाता था, और इतना स्वाद आता था कि लोग कहते थे वाह मोदी जी वाह, क्या शाही पनीर बनाया है। मोदी जी इतनी तारीफ मत करो भाई, नहीं तो मेरा तो मन ही ललचा रहा है इतना ज्यादा कि पूछो मत शाही पनीर खाने के लिए। मैं तो कच्चा ही खा जाऊंगा शाही पनीर। और ये देखो अदरक कितनी ही काटूं कि और ज्यादा काट दूं? लालू जी, तुम अदरक अब बस करो, इससे ज्यादा मत काटो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तुम ऐसा करो, ये टमाटर काट लो और ये मिट्टी के सारे बर्तन धो के ले आओ तुम। और भैया केजरीवाल, तुमने अभी तक लहसुन छिला या नहीं छिला? कब से लेके बैठे हो तुम? मोदी जी लहसुन तो मैं छिल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे लहसुन है यार, जल्दी छिला ही नहीं रहे हैं, परेशान हो गया हूँ मैं छिल छिल के। लेकिन एक चीज ये बताओ, रोटी कोई घर से लेके आया है कि यहीं पे रोटी भी बनाओगे तुम? कमाल करते हो यार केजरीवाल जी, क्या मैं हलवाई तुमको नजर आता हूँ कि रोटी भी बना दूंगा चावल भी बना दूंगा? अरे मैं शाही पनीर बनाने का मुझमें एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ शाही पनीर बनाऊंगा। मैंने तुमको बोला था घर से रोटी बनवा के लेके आना, लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो? मोदी जी वो बात क्या है ना कि आज मेरे घर पे आटा नहीं था, तो मैं रोटी नहीं बनवा के लेके आया। मैं बीबी को बोला कि रोटी बना दो, तो उसने बोला आटा ही नहीं है तो कहाँ से बना दो, इसलिए मैं नहीं लेके आया, सॉरी इसके लिए। कमाल करते हो केजरीवाल जी, जब तुम्हारे घर पे आटा नहीं था तो तुम पहले बता देते कि मैं रोटी नहीं लेके आ पाऊंगा, मैं किसी और को बोल देता। अब तुम आयन मौके पर बोल रहे हो कि मैं रोटी नहीं लेके आया हूँ, अब बताओ मैं कहाँ से रोटी की व्यवस्था करूँ? अरे भैया लालू जी, तुम अपने घर पे फोन करके बोल दो, थोड़ा फटाफट रोटी बना दें। और दोस्तों, जिसको शाही पनीर पसंद हो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।